हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है ना, मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 5:30 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ किचन में। तो मैं आपको पहले आज की डेट बता देती हूँ, दिन बता देती हूँ। तो आज है 12 जून और आज वेडनेसडे है और इवनिंग का टाइम हो गया है। जैसे कि आपको पता है, हम हाउसवाइफ का ज़्यादातर टाइम जाता है किचन में। किचन में आई मीन सारे जो इवनिंग के काम होते हैं घर के, वही सारे काम मैं करने के लिए जा रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपना शेयर कर रही हूँ इवनिंग रूटीन। और अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मेरे चैनल को। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, तो वही सारे जो काम होते हैं, कपड़े उठाने हैं मुझे बाहर। आज मैंने बहुत सारे कपड़े अपने धोए थे और मशीन लगाई थी, और उसके बाद मुझे बर्तन साफ करने हैं, फिर देखेंगे कुछ खाने पीने के लिए बनाएंगे। और गर्मी बहुत हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बिल्कुल भी मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन सोचा कि आप लोगों के लिए, आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे कि कब वीडियो आएगा, कर रहे थे ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन मेरे वीडियो का वेट करता है। और सच में अच्छा लगता है ऐसे अगर आप मेरे वीडियो का वेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में जल्दी से, टाइम खराब नहीं करते हैं। 5:30 बज गए हैं और स्टार्ट करते हैं अपना डेली रूटीन।
सो गाइज, जो भी इवनिंग का काम होता है वो मैंने सारा कर दिया है। और इस टाइम पे इतनी तेज़ आंधी आ रही है गाइज, इतनी तेज़ आंधी आ रही है। जब जब आंधी आती है ना तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि सुबह उठकर ना सफाई करनी पड़ जाती है। और देखिए, मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई है, इतनी तेज़ आंधी थी इस टाइम पर। और बस मैं तो जा रही हूँ अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है अंदर जा रही है, और मैं सारे गेट वगैरह भी बंद कर दूँगी। तो मैं अंदर आ गई हूँ और मैंने सारे गेट वगैरह लगा दिए हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ ओरियो मिल्क शेक, जो कि बच्चों का फेवरेट तो होता ही है, लेकिन आजकल बड़ों का भी फेवरेट है, और ये मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मुझे ओरियो बिस्किट अच्छे लगते हैं, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है इसलिए। और यहाँ मैंने सारा सामान निकाल लिया है। तो ओरियो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पैकेट लिए हैं ओरियो बिस्किट के, और इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये बहुत ही आसान है गाइस, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सारे बिस्कुट तोड़ करके मैं डाल देती हूँ मिक्सर जार में। तो यह सारे बिस्किट मैंने मिक्सर जार में डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है ठंडा दूध, अभी मैंने फ्रिज से निकाला है इसे, और ये 1/2 लीटर से थोड़ा सा कम है। और इसमें क्रीम भी है, क्रीम मैंने निकाली नहीं है दूध की। और ये दूध मैंने डाल दिया है, और अब डालेंगे यहाँ पर चीनी। तो यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बिस्किट भी मीठे होते हैं और जो बाकी की चीज़ें डालेंगी वो भी थोड़ी सी मीठी होती हैं। तो यहाँ पर चीनी मैं कम डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है, और ये मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। और इसके बाद डालूँगी थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, ये देखिए। तो इसको थोड़ा सा चॉकलेटी बनाने के लिए मैंने चॉकलेट सिरप डाल दिया है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ बिस्किट लीजिए, दूध लीजिए, चीनी लीजिए और उसमें आइस क्यूब्स डाल दीजिए, और बस उसे ग्राइंड कर दीजिए, तो आपका ओरियो मिल्क शेक उतना ही टेस्टी बन के तैयार होगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसे यम्मी बना रही हूँ, ये सारी चीज़ें डालने से टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ली है वनीला आइसक्रीम, आप चॉकलेट फ्लेवर में भी आइसक्रीम डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वनीला आइसक्रीम डाल रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून मैं इसमें वनीला आइसक्रीम डाल रही हूँ, और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा ओरियो मिल्क शेक बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 ग्लास, और उसे हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी चॉकलेट सिरप से, और इसका फ्लेवर भी ओरियो मिल्क शेक में ऐड हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है और ग्लास भी देखने में सुंदर लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लगा रही हूँ, और इसके बाद डाल देंगे इसमें ओरियो मिल्क शेक, जो कि हमने बना के रेडी कर लिया है। तो इस तरह से मुझे हर चीज़ को गार्निश करना बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे मैंने ओरियो मिल्कशेक डाल दिया, एकदम क्रीमी, एकदम स्मूथ बनके तैयार हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारा कितना यम्मी यम्मी एकदम चिल्ड ओरियो मिल्कशेक बनके तैयार हो गया है। आप ऐसे ही इसे पी सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर गार्निश कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ओरियो बिस्किट लिया है, और उसे अदरक कूटने वाले में ऐसे डाल के थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, हल्का सा उसे तोड़ लिया है मैंने। और यहाँ पे लूँगी वनीला आइसक्रीम, जो कि मैं मिल्क शेक के ऊपर से थोड़ा सा डालने वाली हूँ, बहुत टेस्टी लगती है एकदम, बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है ऊपर से डालने से। और तो यहाँ ऊपर से मैं 1 टेबल स्पून वनीला आइसक्रीम डाल रही हूँ, और अगर आपके पास व्हिप क्रीम है तो आप व्हिप क्रीम भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। आइसक्रीम मेरी तो फेवरेट है, इसलिए यहाँ पे आइसक्रीम का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा गार्निश करने के लिए चॉकलेट सिरप ले लिया है मैंने, इस तरह से डाल देंगे। और
अच्छा दिखाने के लिए। और यहाँ पे जो मैंने बिस्किट को क्रश किया है इस तरह से, देखिए मैंने तोड़ लिया है, तो ये ओरियो बिस्किट भी ऊपर से गार्निश कर देंगे। और ये हमारा सुपर डुपर टेस्टी मिल्क शेक बन के तैयार है। और गाइस, इन गर्मियों ने सच में मुझे ओरियो मिल्क शेक हो गया, कोल्ड कॉफ़ी हो गई, इन सब ने मुझे दीवाना बना दिया है। सच में मुझे ना दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह से मुझे मिल्क शेक बना के पीना बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और अब मैं हमेशा, मैं इस गर्मियों में बहुत ज़्यादा मिल्क शेक पी रही हूँ। तो ये देखिए हमारा कितना सुंदर दिखने वाला ओरियो मिल्क शेक बन के तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस, आपको भी बहुत पसंद आएगी। सो गाइज़, यहाँ मैं ओरियो मिल्क शेक इंजॉय कर रही हूँ और सच में गाइज़ बहुत ही यम्मी बना हुआ है। और बाहर आंधी जो है वो बंद हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं छत पर, और छत से आने के बाद फिर मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो अभी मैं वापस किचन में आ गई हूँ और आपसे 2 घंटे के बाद मैं बात कर रही हूँ। और ऊपर छत पर से आने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ऊपर इतनी अच्छी हवा चल रही थी और नीचे जो है बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन आना तो था नीचे क्योंकि मुझे खाना बनाना है अभी। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि इतनी गर्मी हो रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं है, और आज गंगा दशहरा है और कल है निर्जला एकादशी, तो मैंने सोचा कि कल चावल नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा चलो अभी चावल बना लेते हैं और कल कुछ और बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नमकीन चावल पुलाव बना रही हूँ मैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर नमकीन चावल ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं और उसके बाद मैं इन्हें अच्छे से धो लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो थोड़ी सी तैयारी है वो मैंने करके रख दी है। तो यहाँ चावल बनाने के लिए मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, आलू और चावल धो करके रख दिए हैं। तो कुकर गरम हो गया है, उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। और गैस, रोटी सब्जी खाने का ना मन नहीं करता है, बस बिल्कुल ऐसा मन करता है कि एकदम लाइट खाना होना चाहिए, इसलिए हम लोग ना बस चावल ही बना रहे हैं और चावल ही खा रहे हैं, कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो कल तो चावल नहीं मिलेंगे क्योंकि एकादशी वाले दिन जो है चावल खाए नहीं जाते हैं, इसलिए मैं एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनाती हूँ, ध्यान रखती हूँ कि एकादशी पड़े और हम लोग चावल ना खाएँ, तो ऐसा होता है। और यहाँ मैंने सारी चीज़ें जो काट के रखी हैं, मैंने कुकर में डाल दिया थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, और यहाँ मैंने प्याज काट के रखी है तो वो भी डाल दूँगी, और प्याज अच्छे से भुन जाएगी उसके बाद डालूँगी हरी मिर्च और थोड़ा सा करी पत्ता। और प्याज भुन गई है तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ और थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया है, अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। और ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी उसके बाद डालूँगी मसाले। तो प्याज वगैरह अच्छे से भुन गई है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, बहुत कम मिर्ची मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है। और उसके बाद डाल देंगे चावल। और मसाला भुन गया है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी। तो मेरा मेज़रमेंट ये रहता है, अगर मैं नमकीन वाला चावल बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ, अगर मैंने 1.5 कटोरी चावल लिए हैं तो मैं 3 कटोरी डालूंगी पानी। और जब मैं सादा चावल बनाती हूँ, कुकर में बनाती हूँ, तो मेरा मेज़रमेंट ये रहता है, अगर मैंने 1 कटोरी चावल लिया है तो 1 कटोरी ही पानी डालूंगी, तभी चावल कुकर में अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी चावल लिए थे तो यहाँ पर 3 कटोरी पानी मैं डालूँगी। तो अब डाल रही हूँ यहाँ पे मैं टमाटर और जो आलू मैंने काट के रखे हैं, धोकर रखे हैं, वो डाल दूँगी। और उसके बाद डाल दूँगी यहाँ पे नमक, तो यहाँ पे 1.5 कटोरी पानी मैंने पहले डाला था और 1.5 कटोरी पानी मैं अब डाल रही हूँ, तो पूरा मैंने 3 कटोरी पानी डाला है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला
और थोड़ा सा घी डालूंगी, उसके बाद डालूंगी नींबू, जिससे चावल थोड़े से खिले खिले बनते हैं और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मैं घी डाल रही हूँ और थोड़ा सा डाल दूंगी नींबू जो मैंने आधा काट के रखा है, और बस कुकर बंद कर देंगे और एक सीटी लगाऊंगी बस मैं कुकर में और बंद कर दूंगी, और उसकी सीटी हमें निकालनी नहीं है, तो उस टाइम पर ही चावल अच्छे से बन जाते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है चावल का। तो यहाँ मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और एक सीटी आने तक वेट करते हैं। तो जब तक कुकर में सीटी आ रही है तब तक मैं यहाँ पे बना रही हूँ बूंदी का रायता। चावल के साथ में रायता अच्छा लगता है, मतलब दही अच्छा लगता है। अगर आप रायता नहीं बनाना चाहते हैं तो दही ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बूंदी का रायता बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने यहाँ पे दही ले लिया है, और दही आजकल मैं घर में ही जमाती हूँ। और यहाँ मैंने बूंदी डाल दी है, ये मार्केट की बूंदी है। और रायते के लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, पुदीना और धनिया पत्ता, तो इन तीनों चीज़ों को मैंने काट के रख लिया है, ये डाल दूँगी। और मिक्स करने के बाद अब डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा डालूँगी चाट मसाला, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मैंने काला नमक डाल दिया, ये थोड़ा सा डाल रही हूँ चाट मसाला, और रायता मसाला भी आता है लेकिन मेरे पास नहीं है, और चाट मसाले का भी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, और ये हमारा रायता बन गया है। इसे मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ, अगर बाहर रहने दूँगी तो बहुत जल्दी ये गर्म हो जाएगा। और यहाँ मैंने सैलेड भी कट कर लिया है, और चावल के लिए हरा धनिया काट लिया है, चावल भी बन गए हैं। कुकर की सीटी निकल गई है और इसे देख लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारे नमकीन चावल बनके तैयार हुए हैं, और ये हरा धनिया मैंने डाल दिया। तो अब सॉफ्ट हाथों से चावल को मिक्स कर देंगे, और धनिया मैंने पूरा नहीं डाला है, मिक्स करती जाऊंगी और डालती जाऊंगी। तो इस तरह से पूरे उस चावल में धनिया अच्छे से मिक्स हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया। जब जब हरा धनिया नहीं होता है तो मुझे कोई भी चीज़ बनाने का मन ही नहीं करता है। हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर, तीनों चीज़ अगर घर में मिल जाएगी ना तो फिर कुछ भी बना लीजिए। अगर कोई भी सब्ज़ी नहीं है तो भी आपकी कोई ना कोई सब्ज़ी बन ही जाएगी, अगर ये सारी चीज़ें आपके घर में हैं तो। तो यहाँ पे मैं प्लेट लगा लेती हूँ, और ये है हमारा आज का डिनर। मैंने बनाया है नमकीन चावल, बूंदी का रायता और आम का अचार, चावल के साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने आम का अचार रख लिया है, और सैलेड मैंने कट कर लिया है जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है, और चावल में डाल रही हूँ ऊपर से घी जो कि बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे रायता सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डिनर बनके रेडी है। बस इस टाइप का डिनर गर्मियों में अच्छा लगता है, झटपट से बन जाता है और बहुत ही लाइट खाना है और बहुत यम्मी लगता है खाने में। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।